अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उत्तर प्रदेश की सियासत पूरे साल सुर्खियों में रहती है, क्योंकि यहां नेताओं के बयान भी आते हैं, साथ ही पूरे साल किसी न किसी तरह कोई न कोई चुनाव होता ही रहता है। अब लोकसभा चुनाव के बाद 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, वो उपचुनाव निपटा ही कि एक बार फिर 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बजने वाला है और जल्द ही इन विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी, सपा, बीएसपी और कांग्रेस कमर कस चुके हैं और सभी की कोशिश है कि चारों की चारों विधानसभा सीटों को जीत लिया जाए, लेकिन जीत किसको मिलेगी कहना मुश्किल है। ऐसे में जब चुनावी चर्चा चली है तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी वो 4 विधानसभा सीटें हैं जहां उपचुनाव का ऐलान होने वाला है। पहली विधानसभा सीट उन्नाव जिले की बांगरमऊ है। बांगरमऊ के विधायक कुलदीप सेंगर की सदस्यता रद्द हो गई है। कुलदीप सेंगर यौन शोषण के आरोप में जेल में सजा याफ्ता हैं। कुलदीप सेंगर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ऐसे में बांगरमऊ विधानसभा सीट पर सियासी जंग तेज हो रही है। दूसरे नंबर पर है रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट। स्वार विधानसभा सीट वही है जहां से अब्दुल्लाह आजम विधायक थे। अब्दुल्लाह आजम रामपुर से सपा सांसद आजम खान के बेटे हैं। अब्दुल्लाह आजम की सदस्यता भी अब रद्द हो चुकी है। अब्दुल्लाह आजम फर्जी जन्मतिथि मामले में अयोग्य साबित हुए हैं। तीसरे नंबर पर है फिरोजाबाद जिले की टूंडला विधानसभा सीट। टूंडला विधानसभा सीट का विवाद अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट के फैसले के फौरन बाद टूंडला सीट पर चुनाव तय माना जा रहा है। चौथे नंबर पर बुलंदशहर जिले की सदर विधानसभा सीट है। बीजेपी के विधायक वीरेंद्र सिरोही के निधन से ये सीट खाली हुई। बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट पर भी अब सियासी घमासान छिड़ने वाला है। चुनाव आयोग जल्द ही 4 विधानसभा सीटों पर अधिसूचना जारी कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग की घोषणा से पहले ही यहां सियासी दलों ने गतिविधियां तेज कर दी हैं और साफ जाहिर हो रहा है कि भले ही उपचुनाव 4 सीटों पर हो, लेकिन चारों सीटों को साख का सवाल माना जा रहा है। ऐसे में हर दल की जीत की कोशिश होगी, लेकिन मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी में देखने को मिलेगा, इसके साफ संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस और बीएसपी के बारे में कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।